हाय स्टूडेंट्स, एक टाइप क्या होता है कि वुडेन ब्लॉक को कितना पेनिट्रेट करेगा। जैसे कि टाइप दिया हुआ रहता है ना कि सपोज इट करिए कि वुडेन ब्लॉक का थिकनेस है, ठीक है, तो बोलेगा इतना स्पीड से आया तो इतना स्पीड से बाहर निकल गया। कुछ थिकनेस दिया हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पे देखिए, बोल रहा है कि U1 स्पीड से आया और इसका थिकनेस क्या है, T1 है। तो बोला थिकनेस T1 से जब वो क्रॉस किया, उससे गुजर कर करके, तब उसका वेलोसिटी कितना हो गया, U2 हो गया। U1 से आया, इस T1 थिकनेस को क्रॉस किया, उसके बाद जो वेलोसिटी निकल, जो स्पीड उसका बचा वो कितना है, U2 है, ठीक है। तो बोले तो इसी पर बेस्ड रहता है क्वेश्चन कि मैक्सिमम कितना थिकनेस को पेनिट्रेट कर सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि ऐसा ऐसा अगर स्पीड बदल दिया जाए तो ऐसा ऐसा कितना ब्लॉक को है जो कि क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ रहता है कि U1 स्पीड से आया, वुडन ब्लॉक का थिकनेस T1 है, तो जब इसको क्रॉस कर किया, पेनिट्रेट करके गुजरा ना, तो इसका स्पीड U2 हो गया, ठीक है। तब इसमें सवाल क्या दे सकता है कि अगर U स्पीड से आएगा तो कितना थिकनेस को पेनिट्रेट करेगा, तो कितना थिकनेस को पेनिट्रेट करेगा, इसका मतलब वो रेस्ट में आने वाला है, तो ये कहानी है। या ऐसा भी दे सकता है कि ऐसा ही कहेगा U1 स्पीड से आया तो U2 स्पीड से बाहर निकल गया, जिसका थिक और इसका थिकनेस T1 है, तो बोले कि बताइए ऐसा ही कितना ब्लॉक लगा दिया जाए कि ये बुलेट जब इंट्री करे तो बाहर नहीं निकल पाए, ठीक है। तो इस ढंग के प्रॉब्लम में बनाने का तरीका क्या होता है, देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसा माना जाता है ना कि जब बुलेट पेनिट्रेट करता है तो कॉन्स्टेंट डिसलरेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि बुलेट पेनिट्रेट कर रहा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो कांस्टेंट डिसलरेशन है, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। और जब फोर्स कांस्टेंट है तो आप जानते हैं कि वर्क जो होता है प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्प्लेसमेंट के होता है। ये लिखा हुआ देखिए यहाँ पे कि वर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट के होता है। और ये भी आप जानते हैं कि वर्क किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया प्रोपोर्शनल एक्स के, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल हो गया एक्स करके, तो एक्स को इधर लाइएगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बटा एक्स, ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है आपको, एक टाइप याद रखना है कि वुडन ब्लॉक जब पेनिट्रेट करता है ना, इस केस में क्वेश्चन बनाना रहता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय थिकनेस इक्वल टू अगला बार वाला जो कंडीशन देगा उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय उसका थिकनेस, ठीक है। ये याद रहेगा, कॉन्सेप्ट से बनता है, लेकिन वैसा नहीं करिए आप, डायरेक्ट करिए। इसको किताब में कैसे देता है ये मैं बता रहा हूँ, किताब में देता है कि वो काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाता है कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, तो एक बार के लिए एक इक्वेशन लिखेगा, फिर दूसरे बार के लिए दो कंडीशन देगा, दूसरे बार के लिए फिर दूसरा इक्वेशन लिखेगा, और फिर उस दोनों को क्या करता है, सोल्व करता है, ठीक है। वैसे कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मैंने ऐसे डील करिएगा तो जितना देर में बनेगा, बुक वाले मेथड से डील करिएगा तो 20 सेकेंड 25 सेकेंड ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसमें दिया हुआ है क्या, बोल रहा है कि इफ़ ए बॉडी लूजेज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन ए वुडन ब्लॉक, देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मैंने ये बोलना क्या चाह रहा है कि 3 सेंटीमीटर से जब क्रॉस किया है तो हाफ लूज कर दिया, मैंने हाफ बचा, मतलब भी से आया, अगर ये सपोज दैट यू से आया तो 50% लूज कर दिया, तो यू बाई टू बचा, तो बोल रहा है कि अब और कितना पेनिट्रेट करेगा, इसका मतलब अब और पेनिट्रेट करेगा माने जब तक जीरो नहीं हो जाए, इसका मतलब यू बाई टू से अब क्या होने वाला, जीरो। 3 सेंटीमीटर चलने में यू से यू बाई टू हुआ, तो अब बोल रहा है कि अब और कितना पेनिट्रेट करेगा, माने एक तरह से ये पूछ रहा है कि यू बाई टू से जीरो होने में कितना डिस्टेंस चलेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। एक चीज ध्यान देना, इसमें लीनियरली नहीं लेना कि यू से यू बाई टू हो गया 3 सेंटीमीटर में, यू बाई टू से जीरो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, गलत हो जाएगा, समझ आ रहा है, इसलिए बताया जा रहा है। इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है, क्या करिएगा बताइए। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी यू मान लीजिए, तो इतना था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, इतना हो गया, बटा कितना थिकनेस गया है 3 सेंटीमीटर,
यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर में ही आएगा, कट जाएगा, तो इसको मान लेते हैं एक्स सेंटीमीटर। अब समझिएगा ये क्या बोल रहा है कि यू से यू बाई टू 3 सेंटीमीटर में हुआ, तो ये पूछ रहा अब और कितना चलेगा, मतलब यू बाई टू से 0 होने वाला, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। इसके लिए इनिशियल हो जाएगा यू बाई टू वाला, तो हाफ एम यू बाई टू का स्क्वायर माइनस 0। तो देखिए u से u by 2 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, कितना थिकनेस चला u by, अब करा और कितना चलेगा, तो u by 2 से 0 होने में अब और यही वाला ना है, तो हाफ एम भी स्क्वायर माइनस यहां वाला, फाइनली 0 हुआ है बटा x। मतलब जब प्रैक्टिस में रखिए ना, तुरंत लिख दीजिएगा, तुरंत सोल्व भी कर लीजिएगा, तो आप देख रहे होंगे कि हाफ एम तो कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर भी जब कॉमन होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो गया 1 माइनस 1 बाई 4, कितना आ गया 3 बाई 4 बाई 3, और ये कितना हो गया देखिए 1 बाई 4 बाई एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये भी कैंसिल हो गया, तो एक्स इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब फर्दर 1 सेंटीमीटर चलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये हो गया। चलिए एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन का टाइप क्या है कि बोलता है कि कोई भी कार है या कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो इतना स्पीड से चल रहा है, ब्रेक मारिएगा तो इतना देर में रुक जाए, इतना दूर चल कर करके रुकेगा, तो उसका स्पीड बदल देता है, तो बोलता है अब बताओ कितना दूर चल कर रुकेगा। इस ढंग से भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें भी यही है, इतना स्पीड से चल रहा है तो इतना देर में रुका, तो अब इस स्पीड से चलेगा तो बताओ कितना देर में रुकेगा, तो इससे भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसको इसको एक अलग टाइप से ही ध्यान रखिएगा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल किसके होगा, यू स्क्वायर को। समझना इससे 6-7 बार क्वेश्चन पूछा है, 6-7 बार 2018 में भी पूछा है। समझना क्या बोल रहे हैं, इतना स्पीड से चल रहा है तो इतना देर में रुका, तो इतना स्पीड से चलेगा तो बताओ कितना देर में रुकेगा, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है जो प्रोपोर्शनल किसके होता है, यू स्क्वायर के। पिछले क्लास में ही हम, मैंने पिछले वीडियो में ही हम ये बताए हैं कि सेकेंड नंबर वाले वीडियो में, काइनेमेटिक्स के सेकेंड नंबर वाले वीडियो में ये बताए हैं कि आप फेंकिएगा यू से, ठीक है, और खींचने वाला कौन है ए, तो यू स्क्वायर बाई टू ए में रुकता है, देखो यही वाला यू स्क्वायर बाई टू ए, और चूंकि डी एसिलेशन होगा जब ब्रेक मारिएगा, तो पहला सिचुएशन में समझना, ब्रेक मारोगे तो पहला सिचुएशन में जितना डी एसिलेशन होगा, अगर स्पीड बदल दोगे तब ब्रेक मारोगे तब भी डिसिलेशन है जो कि उतना ही होगा। समझ आ रहा, तो ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, नीचे वाला स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है वो यू स्क्वायर बाई टू ए हो जाएगा, जिसमें से एसिलेशन दोनों टाइम में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो गया, यू स्क्वायर के हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं, बहुत ईजी, दिमाग नहीं भी काम करे तो आप ये ध्यान रखिए कि स्टॉपिंग डिस्टेंस, इस दिमाग काम करना चाहिए, कुछ है नहीं इसमें, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, यू स्क्वायर के। अब देखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर के, इसमें भी बच्चा दो ढंग से बनाएगा, एक क्या होगा कि पेन चलाएगा, कैसे चलाएगा कि इस क्वेश्चन को समझिए, दिया है 40 किलोमीटर बराबर से चल रहा है तो 40 मीटर चलता है, तो 80 किलोमीटर बराबर से चलेगा तो बताओ कितना चलेगा, तो एक तो क्या करेगा कि 40 किलोमीटर बराबर से चल रहा है तो 40 मीटर चला है, तो लिखेगा 40 प्रोपोर्शनल है किसके, 40 किलोमीटर बराबर के स्क्वायर के। फिर दूसरे बार में लिखेगा कि अब मान लेते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है, कुछ भी है एक्स है, तो एक्स पहले लिखेगा क्या वो कि 40 प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर के, फिर दूसरा बार में मान लेगा कि कुछ दूरी चला है तो एक्स प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर के, और फिर दोनों रेशियो लेगा, तो दो बार लिखेगा भी वो और उसके बाद रेशियो लेकर करके सोल्व करेगा। समझ आ रहा, ऐसा ही किया ही जाता है, ये मेरे हिसाब से बेवकूफी है, इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, देखिएगा समझिएगा, ये कर देंगे तो ये बिना पेन उठाए ही बन जाएगा, उसको समझिएगा क्या है, आपको ये पता है कि s स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, u स्क्वायर के, स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल किसके, u स्क्वायर के, तो पहले 40 किलोमीटर था और बराबर था, अब कितना 80 किलोमीटर बराबर, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला 2 times हुआ है, तो जब ये 2 times होगा तो ये वाला 2 square times होगा 4 times, तो पहले कितना था 40 था,
तो अब कितना हो जाएगा, 4 times, तो 40 का 4 times कितना हो जाएगा बताओ, तो 160 मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, समझे क्या बोले। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी मैंने स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर, कहता है ऐसा नहीं कि दो बार लिखना, क्वेश्चन बैंक में यही करता है, क्वेश्चन बैंक में तो ये भी नहीं लगाता हूँ, तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन लिखता है फिर सॉल्व करता है। हम कह रहे हैं कि उससे शॉर्ट होगा ये वाला, अभी इसमें भी बेवकूफ़ी मत कर देना, क्या कि दो बार लिखे और डील करें, उसको हवा में ही बात करना, क्या 40 किलोमीटर है 40 आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है 40 मीटर चल रहा है, तो अब क्या कर दिया है 80 किलोमीटर पर, तो 40 किलोमीटर पर आवर के रिस्पेक्ट में 80 किलोमीटर 2 times है, तो ये अगर 2 times है तो वह स्क्वायर होगा 4 times, तो पहले 40 था, तब 40 का 4 times कितना हो जाएगा 160, तो ये हवा में ही बात कर करके मार दिया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन देखिए वही है, कह रहा है कि 2 identical कार है जो कि चल रहा है, ठीक है, तो एक यू से चल रहा है एक 4U से चल रहा है, तो कह रहा है कितना दूर में रुकेगा उस डिस्टेंस का रेशियो बताइए। इसमें भी क्या होगा, बुक वाले मेथड से करोगे तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाओगे वो ज़्यादा टाइम लेगा, ये याद रहेगा। इसमें भी अगर 2 बार लिख करके करोगे तो उससे बुक वाले से तो कम ही टाइम लेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम होगा। वैसे हवा में कैसे आदमी बात करेगा कि ये चल रहा है यू से वो चल रहा है 4U से, तो इसके रिस्पेक्ट में स्पीड 4 times है, स्पीड 4 times है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 का square times, मतलब 16 times का मतलब क्या हो गया 1:16, तो क्या होगा कि ये 1:16 मार देगा, समझ आ रहा है। तो इस ढंग से डील करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये आया है 6-7 बार आया है, ठीक है, बार बार आते रहेगा, और जेई मेन में आया है, नीट में नहीं आया है, तो नीट में आएगा इस ढंग का क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी जो है वो जेई मेन में आया है, नीट में नहीं आया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और एक चीज और थोड़ा सा देखिएगा, इसमें ये बोल सकता है ना कि नंबर, जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखे थे, नंबर ऑफ ब्लॉक पेनिट्रेटेड, तो कितना ब्लॉक को क्या कर गया, पेनिट्रेट कर दिया, ठीक है, पेनिट्रेटेड टोटली ऐसे करके लिख दे रहे हैं, तो कितना ब्लॉक को पेनिट्रेट कर दिया ये पूछेगा, बोलेगा कि इतना स्पीड से आया तो इतना थिकनेस को क्रॉस करने के बाद इतना स्पीड हो गया, कंडीशन मैच कर गया कि यही टाइप है, तो बोलेगा कि अगर इतना स्पीड से आएगा तो बताइए ऐसा ऐसा कितना को पेनिट्रेट कर देगा, तो आप क्या करिएगा कि इसके हेल्प से ये निकाल लीजिएगा कि इतना थिकनेस से को पेनिट्रेट करेगा, तो नंबर कैसे निकलेगा, तो टोटल थिकनेस जितना वो क्या करेगा पेनिट्रेट करेगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पेनिट्रेटेड थिकनेस, बटा थिकनेस ऑफ 1 block, ठीक है। अच्छा, इसको एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे लगा दे रहे हैं, ऐसे ये जो है ना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या हो गया, मैथ में तो कुछ अलग होता है, फिजिक्स में चूंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू जब तक पॉजिटिव है तब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का मतलब ये समझिएगा ना कि फ्रैक्शन को गायब कर देना, जैसे कि सपोज इट करिए कि आप इसको डील किए, इसको डील करिएगा, तो मान लीजिए कि टोटल थिकनेस आया, सपोज कुछ भी आया, सपोज करिए कि टोटल थिकनेस आ गया 10 centimeter और एक ब्लॉक का थिकनेस है जो कि आ गया कितना 3 centimeter, ठीक है,
तो 10 बाई 3 करिएगा तो आएगा 3.33। तो ये वाला जो है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब राउंडिंग नहीं होता है जी, इसका मतलब क्या होता है कि फ्रैक्शन को गायब कर दीजिए। यहाँ के लिए नेगेटिव में अलग मीनिंग है, वो मैथ पढ़ना है, मैथ हम थोड़ी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो इस चीज़ को आप समझिएगा। देखो इसका क्या मतलब हुआ ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का थोड़ा सा आप लोग ये समझ जाइए, मेडिकल वाले थोड़ा सा ये समझ जाइए कि 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 3 ही होगा, और 3.999 इसका भी वैल्यू 3 होगा, फ्रैक्शन हट जाएगा पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए अलग होता है, ठीक है। तो वो तो आपको देखना भी नहीं है, तो ये आप समझिएगा। मैंने हम कहने का कहना क्या चाह रहे हैं कि थिकनेस निकालने कहेगा तो यहाँ से निकाल के बता दीजिएगा, नंबर ऑफ ब्लॉक पूछा है कितना पेनिट्रेट करेगा, तो टोटल थिकनेस जितना पेनिट्रेट किया बटा थिकनेस ऑफ वन वुडन ब्लॉक, ठीक है। तो जो आएगा मान लिया क्या आ गया 3.7 आ गया, तो ऑप्शन में देगा 2, 3, 4, 5, तो ऐसा नहीं कि 3.7 तो सोचिए कि राउंडिंग ऑफ करके 4 कर देना है, कितना होगा 3। रीजन क्या है, 3.7 का मतलब क्या हुआ, 3 को क्रॉस कर चुका और 4th को 0.7 ही किया है, पूरा नहीं किया है, तो उसको टोटली नहीं ना किया जी, तो केवल 3 हो गया। समझ में आ रहा है इस ढंग से, मैंने आप समझ रहे होंगे। चलिए ये देखिए ग्राफ का एक सवाल है, थोड़ा सा जगह बचा हुआ था तो इसको बताते हैं। ग्राफ का एक सवाल है क्या ना कि ये कोई टाइप नहीं है, ठीक है, बस इसको देखे रहिए, हो सकता है कि जेई मेन में और नीट में रिपीट कर दें, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। ग्राफ अगर पढ़े हुए तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं, बस खाली है जो जोली हम बोल दे रहे। ये बोल कह रहा है कि भी और एक्स में दिया हुआ आपको ए और एक्स में ग्राफ बताना है, तो भी और एक्स दिया और ए और एक्स में ग्राफ बताना है, तो ए भी एक्स में कौन सा रिलेशन होता है, तो आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि ए का वैल्यू भी इंटू डी वी बाई डी एक्स होता है। ग्राफ कैसे कन्वर्ट किया जाता है, दिमाग कैसे चलेगा, मतलब पहला स्टेप आप कैसे लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो होता है ना कि कैसे बढ़े ये कैसे सोचिएगा, तो इसके एक्स वाई को देखिएगा, इसके एक्स वाई को देखिएगा और उस तीनों में रिलेशन लाइए, तो वहां दिया है भी एक्स, यहां दिया है ए और एक्स, तो ए भी एक्स में कौन रिलेशन होता है, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि ए का वैल्यू भी इंटू डी वी बाई डी एक्स है, ठीक है। अब इसमें आप देखिएगा क्या कि ये वाला तो क्या है कि इस ग्राफ का भी और एक्स है, तो स्लोप तो हो गया डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स क्या है, स्लोप है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सीलरेशन किसके बराबर हो गया, भी इंटू स्लोप के बराबर हो गया, एकदम कुछ है नहीं, देख लीजिए यहाँ पर इस तीनों को भी कभी भी जी किसी भी ग्राफ में पढ़ने का तरीका क्या है, ग्राफ से ग्राफ आएगा तो इसको इसके एक्स वाई को देखिए, इसको एक्स वाई को देखिए, रिलेट करिए, तो वी एक्स ए में रिलेशन है कितना, मैं कौन सा रिलेशन है, तो ए का वैल्यू भी इंटू डी वी बाई डी एक्स, और ग्राफ को डील करने का मतलब ही होता है कि या तो हम उसको स्लोप की तरफ फेंके या तो एरिया की तरफ फेंके, कोई सवाल हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, समझ में आ रहा है कि नहीं, हिस्ट्री में भी रहेगा तो यही करना है कि आप रिलेशन लिख कर 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 करके उसको या तो स्लोप में फेंकिए या तो एरिया में फेंकिए, ठीक है, और स्लोप एरिया देख कर करके डिसाइड कर लीजिए। तो ए का वैल्यू भी इंटू डी वी बाई डी एक्स हो गया, और डी ये तो फॉर्मूला मैंने ये होता है डिफरेंशियल फॉर्म में, और डी वी बाई डी एक्स इस ग्राफ का क्या है, स्लोप है, तो ये स्लोप कर दिए। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक्सीलरेशन हमको देखना है तो भी इंटू स्लोप देखना है, तो देखिए कैसे देखेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कॉन्स्टेंट होगा और ये 90 ज्यादा है तो निगेटिव होगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, तो स्लोप तो कांस्टेंट हो गया और चूंकि ये 90 से ज्यादा है तो नेगेटिव होगा, तो ये पता चल गया कि ये वाला जो है ये नेगेटिव कांस्टेंट है, तो ये नेगेटिव कांस्टेंट है, और ये देखिए यहां समझिएगा जी, भी घट रहा है, देखिए ना भी घट रहा है लेकिन भी पॉजिटिव है, ये आप समझ रहे होंगे कि इस पूरे इंटायर पोर्शन में भी क्या है, पॉजिटिव है। एक चीज समझिएगा, भी डिक्रीज कर रहा है मगर भी पॉजिटिव है, कंफ्यूज मत होइएगा, बच्चा को लगता है क्या कि अरे घट रहा है तो निगेटिव होगा, नहीं, आप दूसरा चीज पकड़ लिए, कोई भी चीज जब घटे तो उसका चेंज निगेटिव होता है, वो वाला निगेटिव है या पॉजिटिव है ये कुछ भी हो सकता है, समझ में आया क्या बोले, जैसे कैसे समझो, 10 है, x x का वैल्यू 10 है, तो x घट रहा है 10 से 5 हो गया, तो चेंज इन x निगेटिव है लेकिन x तो 5 है, अभी भी तो पॉजिटिव ही है,
तो इसमें डायलेमा नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो भी इंटू स्लोप हो गया, तो इसका देखिएगा तो ये 90 से ज्यादा है, तो स्लोप, ये स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है, और ये 90 से ज्यादा है तो नेगेटिव है, तो ये हो गया नेगेटिव कांस्टेंट, ये नेगेटिव कांस्टेंट हो गया। और भी तो देखिएगा इसके ऊपर है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो नेगेटिव आएगा। तो कौन कौन सा ग्राफ है जो कि छट गया? तो निगेटिव मैंने ये पॉजिटिव है भी, देखिए ना भी पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कितना हो गया नेगेटिव। तो ये ग्राफ तो पहले तो गलत हो गया, इसमें भी ए नेगेटिव, इसमें भी ए नेगेटिव, इसमें भी ए नेगेटिव। अब इसको छाटना है तो देखिए कैसे छाटिएगा। ये तो कांस्टेंट है, नेगेटिव कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट इसका क्या मतलब हुआ कि ए जैसे, सॉरी ये नेगेटिव कांस्टेंट है तो ये तो बदल नहीं रहा, इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे जैसे भी बदलेगा वैसे ही ए बदलेगा। तो भी देखिए क्या हुआ है कि घट करके के जीरो हुआ, तो ये तो कांस्टेंट ना है जी, तो ये घट करके जीरो होगा तो ये भी घट करके जीरो होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि एसिलेशन घट करके जीरो हो रहा है। तो इसमें देखिए एसिलेशन घट करके जीरो हो रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये हो सकता है, ये बोल रहा है क्या कि एसिलेशन घट के जीरो नहीं हो रहा है, गलत हो गया। ये बोल रहा है एसिलेशन कांस्टेंट है, गलत हो गया। तो ये आंसर हो गया, समझ आ रहा? तेजी में एक बार देखो, भी एक्स ए, भी एक्स को ए में कन्वर्ट करना, उस तीनों में रिलेशन तुम दिमाग में लाओगे तो भी इंटू डी वी बाई डी एक्स होगा। डी वी बाई डी एक्स उस ग्राफ का स्लोप है, तो इसको लिख दिया भी इंटू स्लोप, उस ग्राफ का स्लोप जो है निगेटिव और कॉन्स्टेंट है, तो ये हो गया निगेटिव और कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो जैसे भी बदलेगा वैसे ही ए बदलेगा, तो वहां पर क्या दिया है देखिए तो कि नेगेटिव होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो हट गया, ये है तीनों हो सकता है। फिर बोल रहा है कि ये नेगेटिव है और कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये बदल नहीं रहा है, तो भी जैसे इसे बदलेगा वैसे वैसे ये बदलेगा, तो भी वहां पर क्या हो रहा है घट के मैग्नीट्यूड जीरो हो रहा है, तो एसिलेशन का भी मैग्नीट्यूड घट के क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, तो घट के जीरो, देखो ना यहाँ पर इतना था मैग्नीट्यूड बाद में जीरो हो गया मान दे, ठीक है। तो ये बताया इसलिए गया है कि हो सकता है जेई मेन में या नीट में इस टाइप का रिपीट करें, ऐसे जिसको ग्राफ पता है वो तुरंत बना लेगा, इस पर कुछ दिमाग लगाना है नहीं, ठीक है। ओके ओके।